वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस मवाना रोड मसूरी मेरठ। किसान मजदूर पिछड़ा सब लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी सरकार के यहाँ से उनका सफाया करने की शुरुआत करेंगे। भाजपा से बगावत कर रालोद में शामिल हुए विधायक अवतार सिंह भड़ाना के सुर बदल गए हैं। पूरे कार्यकाल में वह भाजपा सरकार में रहे, किसान आंदोलन के दौरान ऐसा कोई बयान भी उनका सामने नहीं आया जिससे लगे कि वह किसानों के साथ हैं। लेकिन आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर निकले अवतार सिंह भड़ाना ने यह जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह किसानों, शोषित व दबे कुचले समाज के साथ हैं। कई दलों का स्वाद वे भले ही चख चुके हों और अब रालोद की गोद में बैठकर टिकट भी पा रहे हों, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना की जुबान पर आज भी कांग्रेस का स्वाद तारी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उनके मुंह से कांग्रेस ही निकलता रहा और ऐसा क्यों हुआ उसकी उन्होंने सफाई भी दी। मैं हूं रवि शर्मा और सच वही जो फर्स्ट बाइट दिखाए। आइए देखते हैं क्या कहा मेरठ से कभी सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना ने। देखिए, मैं मेरठ के दौरे पर आया था। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने लोगों से अपील करने आया हूँ कि आने वाले समय में फर्स्ट फेज में हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी। हमें योगी जी की सरकार ने जो कुछ हम पर यात्राएं दी, हमारा अपमान हुआ सर सामने, और किसानों के साथ पीड़ाएं हुई, किसानों को रौंद दिया गया, किसानों को सालों साल हमारे बीवी बच्चे वहाँ तरसते मुख्यमंत्री खड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी सुधीर भाई मैं हमें खालिस्तानी बताया गया, हमें उग्रवादी बताया गया। अब वो लोग जो खालिस्तानी उग्रवादी है ना, जिनको कहा गया, वो किसान, अब किसान मजदूर पिछड़ा सब लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी सरकार के यहाँ से उनका सफाया करने की शुरुआत करेंगे। पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सॉरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 60% वोट दिया था पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। मेरे समाज ने पहली बार 60% वोट दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस बीजेपी ने पश्चिम की उपेक्षा हुई, मेरे समाज का वजूद खत्म किया और ऊपर से हमारा अपमान हुआ। महीर भोज सम्राट का एक स्टैचू जिस पर कालस पोती गई, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं गरीब पिछड़ों से अपील करने आया हूँ, किसानों से, कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ी है 2 साल, बस आज हमारी वो जीत हुई है। हम ये समझते हैं किसान की और गरीब की और मजदूर की जीत उस दिन होगी जिस दिन यहाँ की सरकार बदलनी होगी। अवतार सिंह जी, बार बार आपके दिल से एक सवाल निकल रहा है, बार बार नाम आ रहा है कांग्रेस कांग्रेस, तो कांग्रेस में सारा, अरे सारा जीवन कांग्रेस में रहा हूँ, 4 बार कांग्रेस का सांसद रहा हूँ, वो पारिवारिक मेरा परिवार रहा, क्या बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए अपने फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी न भूलें। और हाँ, कोरोना की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में बेहद सतर्कता जरूरी है। भीड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें, मास्क पहनें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।